गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। द एशियन इंटरनेशनल सीनियर सेकेंडरी स्कूल बेलू की ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि प्रीवियस हमारी क्लास में कंटिन्यू टॉपिक में हम ले रहे हैं हमारा फर्स्ट चैप्टर्स ह्यूमन हेल्थ। ह्यूमन हेल्थ में हमारा लास्ट क्वेश्चन बचा है कि ह्यूमन हेल्थ को कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो सबसे ज्यादा अफेक्ट करते हैं, सबसे ज्यादा प्रभावित करते हैं। तो उसमें एक टॉपिक हमारा इस चैप्टर का बचा हुआ है जो हम लेते हैं, उसका नाम है खाद्य पदार्थों में मिलावट के दुष्प्रभाव। खाद्य पदार्थों में मिलावट, खाद्य पदार्थों में मिलावट के दुष्प्रभाव देखिए। खाद्य पदार्थों में मिलावट, आजकल खाने के जितने भी मार्केट्स में आइटम्स अवेलेबल हैं, उन सब में लगभग 30-40% तक मिलावट पाई जाती है। इसमें मिलावट वह व्यक्ति करता है जो अपने लाभ के लिए, अपने अतिरिक्त बेनिफिट्स को प्राप्त करने के लिए करता है, और ऐसा करने के कारण वह जो व्यक्ति जो कंज्यूमर्स हैं, जो उनका उपभोग कर रहा है, निश्चित रूप से उनको वह नुकसान पहुंचा रहा है। तो खाद्य पदार्थों में मिलावट की हम बात करें, आजकल कुछ लोग इस प्रकार का मिलावट कर रहे हैं जिसको हम मीठा चेहरा कह सकते हैं। देखिए हम कुछ बात करते हैं, एक एक एग्जाम्पल्स की हम बात करते हैं। जैसे हम सबसे पहला खाद्य पदार्थों में मिलावट में हम एक तेल उदाहरण लेते हैं, ऑयल लेते हैं। आपने देखा होगा तेल में क्या मिलावट की जाती है। आजकल मार्केट में जो पाम ऑयल उपलब्ध है उसके अंदर ये कलर देने के लिए आर्जिमोन मैक्सिकाना इस प्रकार का एक प्लांट है जिनके सीड्स हैं, उनका निकलने वाला जो ऑयल होता है उसको इस पाम ऑयल के साथ मिला करके और इसको शुद्ध ऑयल के रूप में लोग भाग बेच देते हैं, क्योंकि पाम ऑयल उनको सस्ता मिलता है। और सस्ता मिल जाने के कारण क्या होगा कि इस फ्लेवर को, इस कलर को उसके अंदर ऐड करके जाएगा, और ऐड कर देने के कारण क्या होगा, उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, ये नुकसानदेह हो जाएगा। तो इस तरह से ये मिलावट की जा रही है। इसी तरह से अगर हम घी की बात करें तो घी के अंदर क्या किया जा रहा है, जो घी है उस घी में वनस्पति घी मिलाया जा रहा है। वनस्पति घी के साथ साथ उसमें खुशबूदार पदार्थ मिलाए जा रहे हैं। खुशबूदार जो पदार्थ हैं ये इस प्रकार से मिलाए जा रहे हैं कि अगर उस घी को इनहेल किया जाए, सूंघा जाए, तो उसे ये महसूस होता हो कि वो वास्तव में क्या है, शुद्ध घी है, परंतु वास्तव में ये शुद्ध घी नहीं है। तो इस प्रकार से मिलावट की जा रही है। आपने देखा होगा एक इसी प्रकार से दूध में सबसे ज्यादा मिलावट की जा रही है। आजकल ये कैलकुलेशंस करके बताया गया है कि उत्तर प्रदेश में 25 से 30% लोग नकली दूध पीते हैं। आप समझे इसका मतलब, नकली दूध, ये नकली दूध से हमारा अभिप्राय है कि इस प्रकार का दूध जो रसायनों के द्वारा बना हुआ है, अर्थात ये नकली दूध इस प्रकार का दूध है जो केमिकल से बना हुआ है। केमिकल्स कौन से हो सकते हैं, यूरिया हो सकता है, पोस्टर कलर हो सकते हैं। तो ये इस प्रकार के जो कुछ पदार्थ हैं, उन पदार्थों के कारण क्या मिल रहा है, नकली दूध मिल रहा है। उस नकली दूध के कारण उनके स्वास्थ्य पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा है। इसी प्रकार से अगर हम दूसरे खाद्य पदार्थ की ओर बात करें तो आजकल मावा मार्केट्स में मिठाइयां, दीपावली के सीजन में बहुत सारी मिठाइयां तैयार की जाती हैं और उसमें मावा का उपयोग किया जाता है, लेकिन मावा क्या है, नकली मावा है। अर्थात उस मावे का निर्माण किससे किया गया है, उसमें स्टार्च मिलाया गया है और स्टार्च मिला करके उस मावे को शुद्ध मावे के रूप में करके मार्केट में बेच दिया जाता है। तो ये सारी मिलावट है, एडल्ट्रेंट से इस प्रकार के खाद्य पदार्थों में मिलावट है। इसी प्रकार से आपने देखा होगा धनिया
धनिया देखा होगा आपने, धनिया, धनिया के साथ क्या मिलाया जाता है, धनिया के साथ जो इस प्रकार के ग्रीन कलर के जो वेस्ट मटेरियल होता है उस वेस्ट मटेरियल को मिलाया जाता है। और इसी के साथ केमिकल्स के फॉर्म में अगर हम हल्दी लेते हैं तो इस हल्दी का के साथ मिलावट के फॉर्म में क्या किया जाता है, इसके साथ लेड क्रोमेट मिलाया जाता है। ये लेड क्रोमेट क्या है, ये केमिकल्स है। इस लेड क्रोमेट को मिला देने से उस हल्दी का कलर काफी फेयर हो जाता है। ये देखा जाता है कि हल्दी बहुत शुद्ध है, परंतु वास्तव में उसमें कलर आने का मुख्य कारण क्या है, केमिकल्स, लेड क्रोमेट। इसी प्रकार से बहुत सारे खाद्य पदार्थ, जैसे सौंफ की हम बात करते हैं, सौंफ में क्या किया जा रहा है, आजकल सौंफ को ग्रीन सौंफ के रूप में उपयोग किया जा रहा है। जो भी व्यक्ति मार्केट में सौंफ खरीदने जाता है तो कहता है कि मुझे ताजा और ग्रीन सौंफ चाहिए। क्या सौंफ हमेशा ग्रीन रहेगी? नेवर। उस सौंफ को ग्रीन रखने के लिए उसके अंदर इस प्रकार के केमिकल्स का स्प्रे किया जाता है, और केमिकल्स का स्प्रे कर देने के बाद वह हमेशा ग्रीन सी दिखाई देती है। तो यह भी एक प्रकार की मिलावट है। इसी प्रकार से अगर हम बात करें काली मिर्च, आपने देखा होगा काली मिर्च में हमेशा जो पपाया के सीड्स होते हैं, उन पपाया जो सीड्स होते हैं उनका उपयोग किया जाता है, पपीते के बीजों का उपयोग किया जाता है। तो ये पपीते के बीज उसमें मिला करके मिक्स करके बेच दिया जाता है, ताकि वो काफी कॉस्टली बेनिफिट्स उनको हो जाता है, काफी कॉस्टली बेच दिया जाता है। इसी प्रकार से लाल मिर्च में आपने देखा होगा, जब लाल मिर्च जो होती है उसमें ये क्या कर देते हैं, ईंट का बुरादा मिला देते हैं, ईंट का बुरादा। और ये इस प्रकार से पदार्थों का मिला देने से क्या हो रहा है, उनकी मात्रा, उनके वेट में तो वृद्धि हो रही है, परंतु ऐसे मिलावटी पदार्थों को खाने से व्यक्ति के शारीरिक दुष्प्रभाव हो रहे हैं, उनके शरीर में अनेक प्रकार के दोष हो रहे हैं, किडनी खराब हो रही है, लीवर खराब हो रहा है, स्टमक में स्टोन हो रहा है। तो इस प्रकार की अनेक व्याधियां, अनेक बीमारियां इस मिलावट के कारण उस व्यक्ति के शरीर में पहुंच जाती है। फिर अगर हम बात करें तो आजकल हमारे यहाँ समाज में एक प्रचलन चल पड़ा है, किसी मेहमान के आने पर दूध पिलाने के बजाय हमारे द्वारा लोग कोल्ड ड्रिंक्स का उपयोग करते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स देखा होगा आपने। और उस कोल्ड ड्रिंक्स में क्या मिलाया जाता है उसकी हम यहाँ पर डिस्क्रिप्शन की बात करते हैं। कोल्ड ड्रिंक्स कोई भी वेराइटी ले लो, चाहे आप पेप्सी लो, चाहे आप कोका कोला लो, चाहे आप लिम्का लो, कोई सी भी ले लीजिए, इन सभी कोल्ड ड्रिंक्स में एथिलीन ग्लाइकोल मिलाया जाता है। एथिलीन ग्लाइकोल ये एक इस प्रकार का सब्सटेंस है जो 0 डिग्री से लोअर टेम्परेचर पर भी इस कोल्ड ड्रिंक्स को फ्रीजिंग होने से बचाता है, अर्थात बहुत कम टेम्परेचर पर भी इसको जमने से बचा देता है, क्योंकि कोल्ड ड्रिंक्स का निर्माण करने के दौरान उसमें पानी मिलाया गया है, और उस पानी को 0 डिग्री से लोअर टेम्परेचर पर भी अगर उसको चिट रखना है लेकिन जमने नहीं देना है, तो उस हेतु इसमें क्या मिलाया गया है, एथिलीन ग्लाइकोल। और ये एथिलीन ग्लाइकोल सबसे मीठा जहर है, इसको क्या कहा गया, स्वीट पॉइजन कहा गया है। क्या कहा गया है, स्वीट पॉइजन, क्योंकि ये एथिलीन ग्लाइकोल जब हम लेते हैं तो उस कंडीशंस में हमारी बॉडी के अंदर जाता है, तो यह अल्सर पैदा कर देता है, बॉडी में बहुत सारे डिसऑर्डर्स पैदा कर देता है, जेनेटिकल वेरिएशंस पैदा कर देता है। तो ये भी हम इस कोल्ड ड्रिंक्स के साथ ले रहे हैं। साथ ही साथ आजकल स्टैंडर्ड निर्धारित नहीं किए गए हैं, इसी कारण से ये कोल्ड ड्रिंक्स निर्माता जितने भी कोल्ड ड्रिंक्स का उत्पादन करते हैं ये लोग क्या करते हैं, उस कोल्ड ड्रिंक्स में आजकल लेड मिलाया जाता है। लेड आपने नाम देखा होगा उसका, हम यूं कह सकते हैं सबसे ज्यादा कोल्ड ड्रिंक्स में हमारे पास डीडीटी, इस तरह से डीडीटी है, क्लोरपाइरीफॉस, मेलाथियन, क्लोरपाइरीफॉस, मेलाथियन, ये इस प्रकार के पदार्थ मिला रहे हैं। ये इस प्रकार के पदार्थ मिलाने से क्या होगा, इनका कोई स्टैंडर्ड निर्धारित नहीं है, ये सारे
इस प्रकार के केमिकल सब्सटेंसेस, इस प्रकार के हार्मफुल सब्सटेंसेस जो हमारे शरीर को क्या करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं। तो ये केमिकल्स मिलावट के रूप में इन कोल्ड ड्रिंक्स के साथ मिलाए जा रहे हैं। इसके अलावा इन कोल्ड ड्रिंक्स में क्या किया जाता है, एक और आपने देखा होगा H3PO3 फास्फोरिक एसिड्स, H3PO4, ये फास्फोरिक एसिड मिलाया जाता है। और ये फास्फोरिक जो एसिड है ये इस प्रकार का सब्सटेंस है कि जो ही यह कोल्ड ड्रिंक्स हमारे दांतों के संपर्क में आते, हमारे दांतों का जो इनेमल है उन इनेमल को खराब कर देता है। इनेमल को खराब कर देने के बाद दांत स्मूथ नहीं रह करके रफ हो जाते हैं, खुरदरे हो जाते हैं। और खुरदरे हो जाने के बाद जब हमारे द्वारा अगर डेली इसका यूज किया जाता है तो एक निश्चित समय बाद इनेमल का जो कवर है, इस दांतों के ऊपर पाए जाने वाला जो कवरिंग से धीरे 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 ब्रेकअप होने लग जाता है, टूटने लग जाता है। इससे हमारे दांतों को नुकसान हो रहा है। और इसका साइड इफेक्ट जब ये हमारे शरीर के अंदर जा रहा है तो एब्जॉर्प्शन के बाद ये ब्लड में मिलता है, ब्लड से बोन्स का जो डिपोजिशन होना चाहिए, विक्षेपण होना चाहिए, हड्डियों के जमाव के दौरान भी हमारे को नुकसान हो जाता है। तो उससे हड्डियां क्या होती जा रही है, कमजोर होती जा रही है। तो ये आता हमारे पास फास्फोरिक एसिड। इसके अलावा कोल्ड ड्रिंक्स में 0.4% 0.4 ppm हम कहते हैं इसकी पार्ट पर मिलियन के फॉर्म में क्या मिलाया जा रहा है, लीड मिलाया जा रहा है, सीसा मिलाया जा रहा है। और ये सीसा हमारे शरीर में कैंसर जैसी बीमारियां पैदा कर रहा है, हमारे शरीर में हमारे नर्वस सिस्टम को तोड़ने जैसी बीमारियां पैदा कर रहा है, हमारे इम्यूनिटी को डाउन कर रहा है। तो ये इस प्रकार के बहुत सारे डिसऑर्डर्स इस कोल्ड ड्रिंक्स में मिलावट के कारण हो रहे हैं। इसके साथ ही आपने देखा होगा जब कभी भी हम कोल्ड ड्रिंक्स को लेते हैं तो हमें डकार आ जाता है, हमें एकदम गैस इस तरह से रिलीज हो जाती है। वो होने का कारण इस कोल्ड ड्रिंक्स में मिलाए जाने वाले पदार्थ कौन कौन से पदार्थ है मैं कुछ बताना चाहूंगा आपको। उसमें हम जब हम उनको पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स को लेते हैं, तो ये इस प्रकार से गैस का पास हो जाना, ये इस प्रकार से होने का कारण कि उसके अंदर कुछ पदार्थ ऐड किए गए हैं, जैसे बेंजोइक एसिड एक इस प्रकार का ऑर्गेनिक एसिड्स है। ऑर्गेनिक एसिड्स ने जो कोल्ड ड्रिंक के साथ मिला करके हमारे को पीने के लिए दिया जा रहा है। इसके साथ ही साथ उसमें बहुत सारे आर्थोबोरिक एसिड्स, बोरिक एसिड्स ये भी मिलाया जा रहा है, बोरिक एसिड, आर्थोबोरिक एसिड्स, ये इस प्रकार के कुछ एसिडिक भाग हैं जो उसके साथ मिलावट करके हमारे को दिया जाता है। इनको पीने के बाद, इन केमिकल्स को पीने के बाद हमें ऐसा महसूस होता है कि हमारी बॉडी अंदर से एसिडिफाइड हो चुकी है, मतलब हम कंप्लीटली रिलैक्स हैं। लेकिन ये हमारे लिए जहर है, पॉइजन है, और पॉइजन के कारण हमारे शरीर को ये नुकसान पहुंचा रहे। इसी प्रकार से अनेक दूसरे आजकल ऐसे सब्सटेंस हैं जो इनको कलरफुल प्रदान करने के लिए, कलर प्रदान करने के लिए बहुत सारे एडल्ट्रेंट्स कलर के लिए मिलाए जा रहे हैं। लेकिन ये जो कलर है, जैसे आपने देखा होगा फ्रूटी है, माचा है, ये इस प्रकार से अलग कलर के आएंगे, ऑरेंज कलर के आएंगे, कुछ आपको कलरलेस मिलेंगे, कुछ आपको ब्लैक कलर के मिलेंगे। तो ये कलर एडल्ट्रेंट्स, फूड एडल्ट्रेंट्स जो कलर के फॉर्म के रूप में मिलाए जा रहे हैं, ये वास्तव में हमारे शरीर के लिए एक मीठे जहर के रूप में काम कर रहे हैं। और इस प्रकार के पदार्थों को मिला देने के लिए एक कानून बना हुआ है, कानून IPS से कानून बना हुआ है, जिसको हम 1954 Act PFA Act 65 कहते हैं, जिसमें इन फूड में मिलाए जाने वाले खाद्य पदार्थों के लिए क्या किया गया है, उनको सजा दी गई, सजा का प्रावधान रखा गया है। और मार्शल कमेटी ने तो ये भी कहा था कि जब इस प्रकार से कोई भी व्यक्ति फूड एडल्ट्रेंट्स मिलाता है तो उसको मृत्यु दंड कर दिया जाना चाहिए। परंतु अब इस कानून को फॉलो अप नहीं करते हैं, क्योंकि कुछ उच्च रसूखात वाले लोग मिलकर के इस प्रकार से एक साधारण मनुष्य के लिए उनके स्वास्थ्य के साथ वो लगातार खिलवाड़ कर रहे हैं, और इस प्रकार से उन्हें इसका सही न्याय संगत
जो है उचित निर्णय नहीं मिल पा रहा है। यही बात है कि आजकल इस प्रकार की परिस्थितियां पैदा हो गई है कि कठोर निर्णय नहीं ले पाने के कारण जो मुजरिम होता है, जो वापस उस गलती को दोहरा देने के बाद एक बार जेल जाने के बाद उन्हें छूट करके और इस प्रकार की मिलावटी वर्क को ये बार बार बढ़ाने का कार्य कर रहा है। तो बच्चों, मैंने जो आपको ये बात बताई, इससे ये चीज क्लियर होती है कि खाद्य पदार्थों में जो मिलावट है और उस मिलावट के कारण हमारे स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, उस स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभाव को ध्यान में रखते हुए खाद्य पदार्थों का अच्छी तरह से उचित चयन हमें करना चाहिए। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।